दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, धर्मसूत्र। धर्म का मर्म एक ही है, उसमें कोई भिन्नता नहीं है। और धर्म का अनुभव करके बहुत कुछ लिखा गया है, शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, अलग अलग तरह की धार्मिक किताबों में। अंदर वही छुपा है जो धर्म का मर्म है, और उससे जीवन के गहरे सूत्र निकलते हैं। हो सकता है कि कुछ मत भिन्नताएं हों, लेकिन मूल रूप से धर्म वही कहता है जो शाश्वत है, सनातन है, अजर है, अमर है। ऐसे ही धर्म सूत्रों को जीवन से जोड़ने की कोशिश हम इस सीरीज में करेंगे। मित्रों, सबसे पहले हम परमात्मा की चर्चा करेंगे। यूं तो इस चैनल पर हमने आत्मा और परमात्मा को लेकर पहले भी चर्चा की है, लेकिन अब सिलसिलेवार हम शास्त्रों के मुताबिक परमात्मा, आत्मा, जीवन, सफलता, दुख, सुख, इन सब को लेकर विचार विमर्श करेंगे। सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि परमात्मा क्या है, परमात्मा कौन है, और हमारे शास्त्र उसे लेकर क्या कहते हैं। क्या उसे जाना जा सकता है, और यदि उसे जाना जा सकता है तो उसका रास्ता क्या है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि यदि हम हैं तो हमें बनाने वाला भी है, लेकिन हमें बनाने वाला जो परम पिता है वो रहस्यमय है, वो आज भी अबूझ पहेली है जैसा वो पहले था। हम उस परमात्मा की कितनी बातें कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी अनजान है। खास बात यह है कि अनजान होते हुए भी वो हमारे सबसे करीब है, और सबसे करीब होते हुए भी वो हम सबसे सबसे ज्यादा अनजान है। ये शरीर तो छूट जाएगा, पंचभूत पंचभूतों में मिल जाएंगे, सूक्ष्म शरीर भी छूट जाएगा, कारण शरीर भी छूट जाएगा, जिसके कारण अस्तित्व है, यानी नाम और रूप है। लेकिन परम पिता परमात्मा तब भी नहीं छूटेगा। वो छूटेगा भी कैसे, वही तो है जिसके कारण मैं है, मैं प्रकाशित है क्योंकि वो है, लेकिन मैं से वो अलग नहीं है और मैं उससे अलग नहीं है। उसके होने के कारण ही मैं है। क्या उसने हमें पैदा किया? वेद कहते हैं कि नहीं, उसने हमें पैदा नहीं किया। उसके होने मात्र से ये सृष्टि पैदा हो जाती है। पैदा होने वाली दुनिया उससे अलग नहीं है, क्योंकि सब कुछ उसके अंदर ही है और वो सबके अंदर है। उसे किसने पैदा किया? वेद कहते हैं उसे कोई पैदा नहीं कर सकता, वो अजन्मा है। पैदा तो वही होता है जो काल के अंदर हो, समय के भीतर हो। समय के अंदर ही जन्म और मृत्यु संभव है। समय के परे न जन्म है न मृत्यु। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, उसके अंदर सभी प्रकार के स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर मौजूद है, लेकिन बावजूद भी वो इन सब के परे है। वो परमात्मा अंतरहित है। वेद कहते हैं कि हम उसकी व्यापकता का अंदाज नहीं लगा सकते, क्योंकि वो अंदर भी है और बाहर भी, इसलिए उसे आंखों की जरूरत नहीं। वो चारों तरफ से, हर दिशाओं से, हर डायमेंशन से हम सबको देखता और जानता है, क्योंकि वो सर्वत्र व्याप्त है। इसलिए वो चलता फिरता नहीं है,
क्योंकि चलने फिरने के लिए कोई जगह बची रहनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा कहीं कोई स्थान है ही नहीं, इसलिए वो चलता फिरता नहीं। सब कुछ उससे पैदा होता है, सब कुछ उसी में पैदा होता है और उसी में विलीन हो जाता है, जिसका ना कोई आदि है ना अंत, इसलिए ना तो वो आगे बढ़ता है ना ही वो पीछे हटता है, ना ही वो बीमार पड़ता है ना ही वो बूढ़ा होता है। हम उसकी आकृति नहीं बना सकते, हम उसे प्राप्त करने का साधन नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी हम उसे अपनी भावनाओं से अपने अंदर उसी रूप में प्रकट कर सकते हैं जैसे हम उसे देखते हैं। जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। जब हम कहते हैं कि वो निराकार है, तो क्या जिन आकारों में हम उसे देखते हैं क्या वो गलत है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो सर्वत्र है। इसलिए वो आकारों में भी है जिन्हें हम पूजते हैं, वो उन आकार प्रकार और प्रतिमाओं में भी है जिन्हें हम नहीं पूजते। हमारे भाव जिससे जुड़ जाए उसमें हम उसे देख सकते हैं, पत्थर में भी हम उसे देख सकते हैं। हम सब में होते हुए भी वो हम सब से अलग भी है, क्योंकि हम सब उसके अंदर हैं, इसलिए हमारे अंदर होते हुए भी वो हमसे बाहर भी अनंत गुना है। हम सब उसे प्रणव, सच्चिदानंद, परम ब्रह्म, ईश्वर, परमेश्वर और परमात्मा कहते हैं, लेकिन ये सभी नाम भी उसे अभिव्यक्त नहीं कर सकते। ये सब ईश्वर के रूप हैं, लेकिन वो ये भी नहीं, क्योंकि नाम और रूप उसके आगे कुछ भी नहीं। उसकी ना तो महिमा गाई जा सकती है, ना ही उसे किसी भी तरह पुकारा जा सकता है। हमारी दृष्टि, सोच और समझ, हमारी कल्पना है, सब कुछ उस पर ब्रह्म परमात्मा के आगे बहुत तुच्छ है। वेद कहते हैं एकम एवं अद्वितीयम, अनेक दिखने पर भी परमात्मा तत्वतः एक ही है। एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ते, एक वो ही है दूसरा नहीं। नेह नये नास्ते, नास्ते किंचन, अर्थात ईश्वर एक ही है दूसरा नहीं, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। न कस्या कस्कृत जनिता नकाधिप, यानी उसका न कोई मां बाप है न ही भगवान। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं। न समुद्र से तिष्ठति रूपम अस्य, उसे कोई नहीं देख सकता। न कक्षुका न कक्षुसा पश्यति कस्कनैनम, किसी भी आंखों से वो देखा नहीं जा सकता। हम उसे देख नहीं सकते लेकिन उसके कारण देखते हैं, हम उसे सुन नहीं सकते लेकिन उसके कारण सुनते हैं, हम उसे महसूस भी नहीं कर सकते लेकिन उसके कारण ही महसूस करते हैं। वो हमें पैदा भी नहीं करता, उसके होने मात्र से हम पैदा हो जाते हैं। वो हमारा पालन भी नहीं करता, उसके होने मात्र से हमारा पालन हो जाता है। उसके होने मात्र से ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा हो जाते हैं, उसके होने मात्र से सृजन पालन और संहार की शक्तियां पैदा हो जाती हैं। जैसे हमारे शरीर में हर क्षण हजारों नए सेल्स कोशिकाएं जन्म लेती हैं, हर क्षण हजारों लाखों कोशिकाएं मर जाती हैं, ऐसे ही उसकी सृष्टि में हजारों ग्रह नक्षत्र तारे पैदा होते हैं और मरते रहते हैं। उसे जानने का कोई रास्ता नहीं है, वो अपने होने का एहसास खुद कराता है। वो अनुभव में तब आता है जब सभी रास्ते खो जाते हैं, क्योंकि रास्ते जब तक है तब तक मैं है। जब मैं खो जाता है तब शून्य प्रकट हो जाता है, और वो शून्य में ही अनुभव में आता है। अनुभव में आने के बाद भी उसे वर्णित नहीं किया जा सकता। वो नाम रूप होते हुए भी इससे परे है, इसलिए नाम रूप से पार जाकर ही सत्चित आनंद का अनुभव किया जा सकता है, लेकिन सत्चित आनंद भी उसका नाम लेकिन सतचित आनंद भी उसका नाम रूप से ऊपर का एक फॉर्म है। वो सतचित आनंद से भी परे है। ये सभी बातें सिर्फ संकेत हैं जो चेतना की उच्च अवस्था में मिलते हैं, लेकिन ये सब बातें भी उसके बारे में अंश मात्र ही पता दे सकती हैं। आखिर में शास्त्रों में यह भी कह दिया गया कि
कि उसे जानने की सारी बातें भी अज्ञान है, क्योंकि उसे जितना जानो वो उतना ही अनजान हो जाता है। जितनी प्यास बुझाओ उतनी ही बढ़ती चली जाती है। उसका एक दरवाजा खुलता है तो सात नए प्रकट हो जाते हैं। जिसका आदि है ना अंत, उसे पूरा की पूरा निकाल लो तब भी पूरा ही बचा रह जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल देने पर भी वो पूर्ण ही शेष रह जाता है। ये दुनिया उसके विलास और उल्लास का प्रतीक है। मनुष्य जितना उल्लासित, प्रसन्न, आनंदित और आत्मभाव में रहेगा, उतना ही उसके नजदीक महसूस करेगा। वो इस सृष्टि का हिस्सा है, इसलिए सर्वहित में ही उसका हित छिपा है। एक ही शरीर की कोशिकाएं होने के कारण सब कुछ आपस में कनेक्ट है। इसलिए हर व्यक्ति अपने मन, वचन, कर्म से पूरी सृष्टि को प्रभावित करता और होता है। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये ज्ञान हमारे शास्त्रों ने हमें दिया है, उन ऋषियों ने हमें दिया है जिसने परमात्मा को समझा है, जाना है, अनुभव किया है। और इस ज्ञान को हम वर्तमान से कनेक्ट करें, हमारी पीढ़ी को इससे अवगत कराएं, हम सब उसे तत्व रूप में जाने समझें, वेदों में, पुराणों में कही गई बातों को व्यवहारिक रूप में विश्लेषित करें, उसका जीवन में प्रयोग करें। यही इन वीडियो का मकसद है। आप चाहें तो अपने परिजनों को, अपने दोस्तों को ये वीडियो सेंड कर सकते हैं। नई पीढ़ी को भी आप उत्साहित करें कि वो अपने धर्म के तत्व को जानने की कोशिश करें। सनातन धार्मिक दर्शन को समझने से सब कुछ मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।